जी नाजीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमें माल रोड पर ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब ने। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी जोरों शोर से कैंपेन चली, किसी हद तक आप हेलमेट पहनाने में शहर लाहौर को, लाहौरियों को कामयाब हो गए, लेकिन कसर रह गई है। अभी अखबार की जीनत बनती है हेडलाइंस कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। तो ये बात क्यों इस नौबत तक पहुंची कि जो मोटरसाइकिलें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, अब इसके पीछे क्या कहानी थी? देखिए जी, जहाँ तक है ना कसर रहने की बात, पूरी कौम को, सारी को ना अंदर दिया जा सकता है ना मोटरसाइकिलें सारी बंद की जा सकती हैं। हमारा काम ये है कि हम पहले लोगों को एजुकेट करते हैं, एजुकेट करने के बाद पहले कैंपेन चलाते हैं, एजुकेट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके बाद पूरा टाइम देने के बाद फिर हम इन्फोर्समेंट की तरफ आते हैं, चालान करते हैं। चालान करने से जब लोग नहीं समझते तो फिर उसके बाद इम्पाउंडिंग और उसके अगला जो है वो स्टेप होता है। ज़ाहिर ऑब्वियसली अगर लोग नहीं मानेंगे तो इम्पाउंड करने पर हम आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 90% के करीब इम्प्लीमेंटेशन हेलमेट की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। सर, जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो किसी हद तक हेलमेट पहन रहा है? अभी भी हम नज़र दौड़ाएं तो जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन्होंने काफ़ी हद तक, मैं कहूँ अगर 90% से ज़्यादा तो गलत ना होगा, लेकिन जो पीछे बैठे हैं अब आप देख सकते हैं वो दो नौजवान पीछे, उन्होंने ना आगे वाले ने हेलमेट पहना ना पीछे। अगर इधर भी हम देख लें सिग्नल के ऊपर या इधर हम देख लें सिग्नल के ऊपर, तो पीछे जो लोग बैठे होंगे वो हेलमेट नहीं पहने होंगे। किस तरह से ये देखें, वो दिखाएं, वो भी दिखाएं जिन्होंने पहने हुए ना, वो भी दिखाएं। उसने का मकसद ये है कि पीछे वाली सवारी नहीं पहन रही हेलमेट। मैं बताता हूँ ना, देखें हम ये करते हैं कि जिस तरह मैंने बताया ना, हम चालान भी कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। अभी कुछ ये जिम्मेदारी का एहसास शहरियों को भी करना होगा कि ये मेरे फायदे में नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस के फायदे में नहीं है, ये हुकूमत के फायदे में नहीं है, ये मीडिया के फायदे में नहीं है, ये जिसने सफर करना है मोटरसाइकिल पे ये उसके फायदे में है कि वो क्यों नहीं पहन रहा, ये उसके फायदे में है। तो ये हम उनको एजुकेट करके इस बात पे लेके आ सकते हैं कितने के लोगों को डेली आप चालान करेंगे। और हम, हमारा मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, हमारा मकसद लोगों को बेसिकली एजुकेट करके इस बात पे लेके आना है। हम सख्ती कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले, अभी ज्यादा जो सख्ती हो रही है वो उस पर हो रही है कि जो राइडर है उसके ऊपर ज्यादा हम कर रहे हैं। सेकंड सीटर को भी हम चालान इशू कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ी सी, अगर खवातीन हो तो उसको हम थोड़ी सी सम टाइम रिलैक्सेशन दे देते हैं कि चले फीमेल हैं और वो थोड़ा सा उसका एहसास करते हुए, तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वार्निंग दे देते हैं, मोटरसाइकिल से उतार देते हैं उनको। कुछ लोग फिर देखिए सिस्टम को डॉज आउट करने की कोशिश करते हैं कि जब इशारा आया पीछे से उतर गए, इशारा क्रॉस किया, आगे आके उन्होंने ये जानी चलते हैं। और खातून नहीं है हेलमेट पहना है, इनको इनकरेज करने की जरूरत है। सर पे पहने जी आप, अब ये देखिए ना, अभी ये भी तो लोग हैं ना जिन्होंने ये हेलमेट पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है, ये पीछे मोहतरमा ने पहना हुआ है, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें इनका अपना फायदा है, इसमें ना मेरा फायदा है ना आपका ना ट्रैफिक पुलिस का। ऐसे लोग हैं जो कानून पसंद शहरी हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे लिए बाइस से फखर। कैप्टन साहब इजाजत दीजिए, मुझे ये लेडीज से एक मैसेज लेना है ताकि ये दूसरी लेडीज को भी इनकरेज करें। मैम आपसे एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि आपने हेलमेट पहना है बहुत अच्छी बात है। दूसरी खवातीन जो ये कह रही हैं कि दुपट्टे फंस जाते हैं, हमसे नहीं लिया जाता हेलमेट, नहीं पहना जाता, उनको एक मैसेज दें अच्छा सा। जी मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि हेलमेट पहनने से ना तो हेयर स्टाइल खराब होता है, ना ही आपको कोई और नुकसान होता है। ये इसका तो इतना बड़ा फायदा है कि एक तो आपको ना ठंडी हवा लगती है, ना डस्ट लगती है, यहाँ पे आए दिन फोग है, स्मोग है, कोई भी मौसमी असरात आपको नहीं पड़ते। मैं पिछले एक साल से पहन रही हूँ, मैं विश करती थी कि ये कानून बन जाए, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो सब ये पहने, इंशाल्लाह वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी और वो देखेंगी कि उनको मौसमी बीमारियाँ कोई नहीं लगेंगी, तो टेस्ट भी नहीं लगेगी, स्किन भी खराब नहीं होगी। अच्छा कैप्टन साहब, हाँ जी, सेकंड जी, इधर आइए जरा, एडवोकेट को फोकस कीजिए, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द जेंटलमैन कि इन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ है, मैडम ने भी पीछे हेलमेट पहना हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि ये लोग कहते थे कि वकला कम्युनिटी हेलमेट नहीं पहनती, तो दे आर डूइंग दैट, दे आर फॉलोइंग दैट। तो चीज नोटेबल है यहाँ पे साइड मिरर, अगर आप साइड मिरर के ऊपर आ जाएं तो मोस्टली मोटरसाइकिल के ऊपर अभी नहीं होंगे, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहे हैं साइड मिरर ना होने और हेलमेट होने, क्योंकि हेलमेट अगर होगा और साइड मिरर नहीं होगा तो आप देख नहीं सकेंगे अपने लेफ्ट और राइट और एक्सीडेंट हो जाएगा। आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू किया कि साइड मिरर में, एक तो हम सारे काम यकदम नहीं शुरू करने चाहते, लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे इसको, हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, लोग इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते और मार कुटाई शुरू हो जाती है। हमने वन बाय वन कर रहे हैं,
हेलमेट का आपने देखा, उसके बाद अभी आज हमने आपकी अपने कोई जो हमारी सारी बाइक्स थी ना उनको हमने हेलमेट इशू ये दे दिए हैं, साइड व्यू मिरर्स दे दिए हमने, खुद परचेज करके दिए हैं। कैप्टन साहब, लोगों का ये भी बहुत ज्यादा शिकवा है कि कैप्टन साहब, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम और भी करते हैं जो ब्लैकमेल माफिया है, और हेलमेट के प्राइस की हाइक इतनी ज्यादा हो गई है उसके ऊपर भी कुछ करें। लोग कहते हैं कि ये सारा काम ट्रैफिक पुलिस को ही करना चाहिए, बहुत सारे महकमे हैं जिनका काम है प्राइस को कंट्रोल करना, उनको हमने राइटिंग भेजा हुआ है वो कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा लोग 1965 का सब लोग हेलमेट ले लेंगे महंगे दामों, फिर ये मैदान में आएंगे। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, ये मेरे ही लाहौर में आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, ये पहले ले। ऑब्वियसली जब सप्लाई किसी चीज की जो है ना डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके बाद उसी हिसाब से उसमें शॉर्टेज आएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये इसका वेट क्यों कर रहे हैं, ये शीशे हम 3 महीने से कह रहे हैं बैक व्यू मिरर लगाएं, ये 100 रुपए के आते हैं, क्यों नहीं लगाते, ये लोगों को लगाने चाहिए। इनसे आए ना, जरा इनसे बात करते हैं। एक और यहाँ पर राइडर है, क्यों नहीं पहना आपने हेलमेट, क्यों नहीं पहना हेलमेट, डबल पहनना जरूरी है सर। क्यों नहीं है जरूरी, मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता था तो इसका मतलब ये है कि हम इम्प्लीमेंट कानून करना बंद, इसका मतलब है कल को आप कहें कि जी मैंने डकैती कर ली, मुझे नहीं पता था कि ये गलत काम है। सर मुझे पता ही नहीं था, इसलिए सोशल मीडिया पे हर जगह बता रहे हैं, और ये कानून है 1965 का है, पता आपको भाई आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आप जी, तो आपको आप कैसे कह सकते हैं आपको पता ही नहीं था। आप पते को छोड़ें, आप यहाँ से गिरेंगे तो आपका सर फटेगा कि नहीं फटेगा जी, बिल्कुल बहुत कौन होगा आपके, मैं जी रोएंगे आपके पेरेंट्स के, मेरे तो सर फिर आपको हमारी थोड़ी सी तो हमारे वार्डन की इज्जत करनी चाहिए कि आपकी जान बचाने के लिए आपके तरले डाल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह मेहरबानी करें, इसको पहना करें, इसको पहना करें। ठीक है सर, वो बच्चे ने पहना है हेलमेट। अच्छा, ये हेलमेट के डिजाइन पे मैं बात करूंगी। ये दिखाएं ना, डिजाइन को छोड़ें, ये दिखाएं अभी इसका क्या इलाज है, 4 बच्चे लेके जा रहा है वो, ये देखें, इनको रोकें जरा, इधर रोकें। कैंपेन है जनाब, यहाँ पर CTO साहब खुद लीड कर रहे हैं इस कैंपेन को। आप मुझे ये बताइए कि ये हेलमेट क्यों नहीं पहनाया हुआ आपने इनको, माँ जी अगर तुसी गिर के तो आडू चोट लग जाए, फौत हो जाओ तो की बनेगा। आप सही कह रहे हैं बच्चे, कुछ तो मेहरबानी करें ना, कुछ तो मेहरबानी करें। तो ये बदकिस्मती है हमारी, हमारे लोग जिनके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि रोजमर्रा जो शहर लाहौर में चालान कट रहे हैं, ये रेवेन्यू किसकी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों की मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग और आप किस तरफ है। चालान करें तो तब आप कहते हैं कि जी बड़ा बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ जाएगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। अगर ना करें तो आप कहते हैं ये बगैर हेलमेट के क्यों जा रहा है। तो पहले आप और लोग ये प्रायोरिटी तय कर ले कि आप चाहते हैं कि खुली छुट्टी दे दें, ट्रैफिक पुलिस साइड पे हो जाए, लोग गाड़ियों के नीचे। अगर हम ये चाहते होते ना तो यहाँ पे मैं एक लेडी रिपोर्टर होने के नाते कभी सड़क पे ना आती। जब आपकी बात कर रहा हूँ ना, नहीं देखें ये फिर वो दूसरी डिबेट में हम चले जाएंगे, आप लेडी रिपोर्टर होते हुए सड़क पे ना आती। लेडी रिपोर्टर हो या मेल रिपोर्टर हो, जो हमने रिपोर्टिंग करनी है सड़क पे करनी तो हम सड़क पे करेंगे। कहने का मतलब ये है हम चाहते हैं तभी तो प्रोग्राम करते हैं। की बात कर रहा हूँ ना, फिर आप असल में आर्गुमेंट को सारे की तबाही तो सिर्फ रेवेन्यू का था ना कि कहाँ पे खर्च किया जाएगा। मैंने उसका जवाब दे दिया कि रेवेन्यू हमारे पास नहीं आता, स्टेट के खजाने में जाता, हमारे पास नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब और भी इसमें चीजें हैं, हम टीपा की बात कर लेते हैं। टीपा के अब देखिए सामने वहाँ पे बैरियर लगे होंगे, बड़े बड़े बैरियर, वो देखिए इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो जाम होती है, और जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें क्या हादसात में टीपा क्या कर रही है, और ट्रैफिक के बेहंगम होने में टीपा कितनी कसूरवार है। जी ये टीपा वाले बता सकते हैं कि टीपा क्या कर रही है, आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं जी, मेरी जब जहां जरूरत होती है करते भी हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पे शायद ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है, वो जाहिर है बहुत सारी जगहों पे दे वर्क ऑन दैट करते हैं। क्या कोई शिकायत, कोई मरासला जैसे आप लिखते रहते हैं अक्सर, खत लिखते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो हम उनको मरासले लिखते रहते हैं और उनसे हम उसको ठीक करवाने की कोशिश भी करते हैं। तो जैसे जैसे जी अभी ठोकर का हमने लिखा हुआ है, शादरा का हमने लिखा हुआ है, और इसके अलावा आज मैंने गज्जुमत्ता की तरफ एक जगह पे सर्विस रोड मिसिंग है, लोग वन भी आते हैं उसका हम इंशाल्लाह उनको पहले भी भेजा फिर भेजते हैं उसका, ताकि ये लोगों के ये इश्यूज ना हो। मोटरसाइकिल के लिए अलग लेन बनाना, ये ख्याल क्योंकि हमने देखा कराची में बनी है, लाहौर शहर में कोई मुस्तकबिल करीब में कोई प्लान, लाहौर शहर में स्पेस कहाँ पे है जहाँ सेपरेट मोटरसाइकिल के लिए लेन दे दें।
यहाँ पे तो तीन लेन्स हैं जिनमें गाड़ियां पूरी नहीं होती, तो मोटरसाइकिल के लिए कहाँ से स्पेस निकालें? नहीं हो सकता, स्पेस नहीं अवेलेबल ना, रोड स्पेस अवेलेबल नहीं। ये ख्याल नहीं अच्छा जी, ख्याल का तो मैंने कब कहा ख्याल गलत है? ख्याल अच्छा है लेकिन स्पेस नहीं। अच्छा स्पेस नहीं है, स्पेस क्रिएट कर दें तो ठीक है, स्पेस क्रिएट करने जा सकते, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नाकारा गाड़ियां हैं वो भी मिसाइल का शिकार हो रही हैं और उनकी वजह से मिसाइल क्रिएट हो रहे हैं, सर इसका क्या हल हो सकता है? पुरानी गाड़ियां सड़कों पर जब निकलती हैं तो ट्रैफिक के लिए क्या मिसाइल खड़ी करते हैं? जी देखें, ये असल में जाहिर है दो चीजें हैं ना, एक पुरानी गाड़ियां हैं जो पब्लिक की गाड़ियां हैं, वो जाहिर है जब कहीं खराब होगी, गाड़ी बॉक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से पूरी लेन कंप्रोमाइज हो जाएगी और उसकी वजह से जाहिर है ट्रैफिक का फ्लो मुतासर होगा। दूसरा है पुलिस की गाड़ियां, तो जाहिर है इट्स एडमिटेड फैक्ट के 2006 में ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियां मिली थी, जबकि मोटरवे पुलिस की जो फ्लीट है हर 4 साल बाद चेंज होता है, तो जाहिर है उससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, वो चेंज होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट जो है ना जाहिर है ऑब्वियसली जब उनके पास फाइनेंसेस होंगे वो उसको चेंज कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन ये थे CTO लाहौर, इनसे हमने बात की है, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर तो मदद की है लेकिन बहुत सारे नकात ऐसे हैं जिनके ऊपर CTO साहब भी कोई खातिर खां जवाब नहीं दे सके। जिस तरह से टीपा के हवाले से सवाल पूछा तो वो ढके छुपे अल्फाज में ये कह चुके और ये कह गए हैं कि टीपा जो काम नहीं करती है उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को जो मुश्किलात पेश आती हैं वो किस तरह से आती हैं। अभी हमने आपको ये दिखाना है कि टीपा की नेग्लिजेंस की वजह से ट्रैफिक में जो खलल पैदा होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद से दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।